नमस्कार दोस्तों, एसके हाउस प्लांट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमने आप सभी के लिए 20 फीट बाई 40 फीट का हाउस प्लांट डिजाइन किया है। इस प्लॉट में वन साइड रोड और थ्री साइड अदर प्रॉपर्टीज है। दोस्तों आप सभी को ये हमारा बनाया हुआ हाउस प्लांट पसंद आएगा। आप सभी वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए प्लान देखते हैं। ये हमने 20 फीट बाई 40 फीट का हाउस प्लांट डिजाइन किया है और इधर प्लॉट का साइज 20 फीट है और दूसरी साइड 40 फीट है। यहाँ पर 9 फीट वाइड मेन गेट डिजाइन किया है और ये हमारा पोर्च रहेगा। 9 फीट वाई 17 फीट 2 इंच, इसमें 9 फीट ये साइड और 17 फीट 2 इंच यहाँ से यहाँ तक ये साइड। यहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क हो जाएगी और यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए हमने स्टेयर केस डिजाइन किया है। इसमें ये 3 फीट वाइड स्टेयर्स हैं ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए, यहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर पर जा सकते हैं। इस साइड में हमने ये रूम डिजाइन किया है 10 फीट वाई 13 फीट 6 इंच का, इसमें 10 फीट ये साइड और 13 फीट 6 इंच ये साइड। रूम के वेंटिलेशन के लिए हमने ये विंडो डिजाइन की है और यहाँ पर ये कवर डिजाइन की है। दूसरा डोर अंदर जाने के लिए हमारा ड्राइंग कम लॉबी एरिया का रहेगा। 13 फीट 6 इंच बाई 11 फीट 9 इंच, इसमें 13 फीट 6 इंच ये साइड है और 11 फीट 9 इंच ये साइड है। यहाँ पर हमने किचन डिजाइन किया है। किचन का साइज है 7 फीट बाई 9 फीट, इसमें 7 फीट ये साइड और 9 फीट ये साइड है। पीछे की साइड में हमने एक और बेडरूम डिजाइन किया है, यह है 14 फीट 3 इंच बाई 13 फीट का, इसमें 14 फीट 3 इंच ये साइड और 13 फीट ये साइड है। यहाँ पर इसमें कवर डिजाइन की है और रूम के वेंटिलेशन के लिए इधर ओपन एरिया की तरफ हमने ये विंडो डिजाइन की है। यहाँ पर हमने टॉयलेट डिजाइन किया, यह है 5 फीट बाई 9 फीट का, इसमें 5 फीट ये साइड है और 9 फीट ये साइड है और इसका इधर वेंटिलेटर रहेगा। तो दोस्तों आप सभी को ये हमारा बनाया हुआ हाउस प्लान पसंद आएगा। आप सभी वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली के साथ ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप किस किस साइज़ की वीडियो चाहते हैं। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।